और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जिस तरीके से महिला के साथ बर्बरता की गई थी, ताजमहल हक पर इसका आरोप लगा है और मेडिकल करवाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से एक महिला को बीच सड़क पर सरेआम सबके सामने पीटा जाता है। सवाल भी उठे, पश्चिम बंगाल की सरकार मानवता को सर्वसार किया जा रहा है। अब टीएमसी नेता ताजमहल हक का मेडिकल हो रहा है। आपको बता दें कि टीएमसी नेता ताजमहल हक पर ही यहां बीच सड़क पर महिला की पिटाई का आरोप है और इस्लामपुर हॉस्पिटल में ताजमहल का अब मेडिकल किया जा रहा है। ये तस्वीरें सामने आई है, कार्रवाई की जा रही है और साथ ही टीएमसी के ऊपर अब जो सहयोगी विपक्षी पार्टियां हैं, सहयोगी पार्टियां हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में विपक्षी पार्टियां हैं कांग्रेस से लेकर सीपीआईएम तक, सवाल उठा रही है कि आखिरकार किस तरीके से मानवता का शर्मसार किया जा रहा है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, एक बीच सड़क पर महिला की कोड़े से पिटाई की जाती है, कोई रोकने नहीं आता, बीच बचाव करने नहीं आता है और अब यहाँ पर मेडिकल करवाया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, हिंसा को लेकर बंगाल सरकार को घेर रही है बीजेपी। कोलकाता में बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। जो ये मामला सामने आया, वीडियो सामने आया जिसने सबको सन्न करके रख दिया, किस तरीके से एक महिला की बीच सड़क पर पिटाई की जाती है। ताजमहल हक जो टीएमसी नेता है उसका मेडिकल भी कराया जा रहा है, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तीन नए कानून आज से अमल में आ रहे हैं, इसके लिए आप सभी को निमंत्रित किया है। देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। तो एक नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही, मतलब कल मध्यरात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड जिसको आईपीसी कहते थे, 1860 से जो कानून था इसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको सीआरपीसी कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू होगा।